अपनी कोर्ट में दे रही है, किसकी हमारी एप्लीकेशन पे सीबीआई तुरंत दे रही है कि दे आर रेडी टू इन्वेस्टिगेट दी। पर फूलका साहब आप क्या करते रहे 25 साल तक? आपने 31 साल तक ये केस लड़े, 7 साल से ये भी केस लड़ रहे, फिर आप करते क्या रहे? एक बात मैं और बताऊं, 1985 में ट्रांजिस्टर बम केस हुए थे, अगर आप मित्रों को ध्यान हो, वो केस भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एडवोकेट लड़ रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने फूलका जी को अप्रोच किया कि हमने इस केसेस में एडवोकेट हायर करना है, तो पता लगा कि फूलका जी ने जो फीस मांगी वो देने के लिए उनके पास उतने आर्थिक साधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने फूलका साहब को भी वकील करने से मना किया। ये उनका कहना, मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांजिस्टर बम के जो अक्यूज्ड लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमसे भी पैसे मांग रहे थे, हमने कहा हमारे पास तो पैसे देने को नहीं है। तो हमने, हमारा मकसद केवल आपको ये बताना है, जो लोग अब तक इस लड़ाई को लड़ने के नाम पे, इसको लोगों को जो अक्यूज लोग थे, कहीं ना कहीं उनको ज्यादा फायदा हुआ है, ना कि जो पीड़ित थे उनको कहीं फायदा हुआ हो। फूलका जी की सारी स्ट्रगल के अंदर जो हमें समझ में आ रहा है, केवल अक्यूज को ही फायदा हुआ है, कहीं भी विक्टिम्स को फायदा नहीं हुआ। ये कारण तो फूलका जी जवाब दे सकते क्यों और कैसे हुआ, पर ये जरूर समझ में आ रहा है कि अक्यूज को फायदा हो गया और विक्टिम जो थे वो बेचारे इंसाफ को तरसते रह गए। और कोई बात हो तो बताओ, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जस्टिस सोडी हमारे एडवाइजर रहेंगे इन केसेस के लिए, जस्टिस सोडी जी की अगुवाई के अंदर, उनकी एडवाइस के मुताबिक ही हम एडवोकेट खड़े करेंगे, क्योंकि हमें अब यह समझ में आ गया कि ये केस जो है कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाए जा सकते जब तक ऐसे लोग जिनका कोई इंटरेस्ट ना हो किसी पॉलिटिक्स से, जब तक वो इसमें साथ में इन्वॉल्व ना हो। अरे जी आप क्या बच चुके हैं, नहीं 31 11 कम कर दिया आपने जी। ये अकाली दल तो हम एडवोकेट पे रिलाई कर सकते हैं, हम तो उन्हीं पे रिलाई करेंगे। अभी 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 अब मैं बताता हूं ना, अब तक तो ये समझ में आ रहा था कि सरकार कर रही बेईमानी, कर भी रही थी, लेकिन अब जब ये समझ में आया हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो इंस्टेंट हमें उसका रिलीफ मिलती है। हमने तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले तो नहीं बोला, एप्लीकेशन फाइल करने से हमने कोई बात भी नहीं कही, किसी पे एप्लीकेशन भी नहीं लगाया। जब एप्लीकेशन फाइल कर ली, उसका रिजल्ट देख लिया, फिर बोलने को मजबूर हो गए। देखो हमारा तो ध्यान कांग्रेस की तरफ रहा हमेशा ही, जब हमने एप्लीकेशन फाइल करी उसका रिजल्ट सामने आ गया कि वाकई ये तो झटका लगा देख के कि यार कमाल होगी। एक जज साहब से सलाह लिया, हमने कहा जी आप एप्लीकेशन ऐसे फाइल करो, तुरंत फाइल की, शाम को जवाब आ गया, रिजल्ट सामने आ गए, तो फिर हमें लगा कि ये तो केवल राजनीति की जा रही थी। ये फूलका जी भी तो कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या कारण था इसके पीछे, क्या मोटिव था उनका ये काम ना करने के पीछे, क्या मोटिव था, उन्होंने ये 7 साल तक क्यों नहीं पिटीशन फाइल की, इसका मतलब उनके मन के अंदर कोई और कारण था, उनके पीछे कोई दबाव था, क्या था, ये तो फूलका जी बेहतर बता सकते हैं। तो हमने जब इसका रिजल्ट देखा, जब ये देखा कि सीबीआई की री इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमारी एप्लीकेशन पे हो रही है, हमारे वकील बदलने के बाद हो रही है, तो आज हम बोलने को मजबूर हो गए जी। 2017 में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा, ये प्रॉब्लम क्या है, अब वो राजनीति, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं, फूलका साहब पहले एक एडवोकेट थे, अब वो एडवोकेट नहीं राजनीतिक है। अब फूलका साहब ये कह रहे हैं कि 2017 का चुनाव आ रहा है तो इसको मुद्दा बढ़ाने की कोशिश की जा रही। फूलका साहब लोग तो कहें कहें, लेकिन आप तो वो सिख हो जिन्होंने पीड़ितों का लड़ाई लड़ी है, कम से कम आपको ये तो कहने का हक ही नहीं है। अगर हम भी ये बात, अगर मैं ये कहूं कि 2017 का चुनाव, 2021 का चुनाव, 2035 के चुनाव को लेके मैं कर, तो फिर मेरे से बड़ी इससे शर्म की बात क्या हो सकती है, फिर अब तक मैं क्या कर रहा था। तो फूलका जी ने अभी तक इतने चुनाव हुए, 84 से लेके हर 5 साल बाद एमपी का चुनाव आता है, हर 2 साल बाद विधानसभा बीच में आ जाती है, तो 84 से लेके 2015 तक तकरीबन ना करते 20 चुनाव आ चुके होंगे, तो फिर फूलका साहब अब तक क्या कर रहे थे। मैं बता तो रहा हूं, हम उन पर रिलाई कर रहे थे, हम फूलका जी के ऊपर 100% ट्रस्ट कर रहे थे, हम अब भी ना उनकी बात को देते अगर हमने चुपचाप अपनी एप्लीकेशन ना फाइल करी होती, इसका रिजल्ट ना देखा होता। एक दिन पहले फूलका जी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं अखबार में कि कल सुबह क्लीन चिट आएगी, जैसे उनको पूछ के आती है क्लीन चिट, और अगले दिन सीबीआई क्लीन चिट की बजाय कोर्ट में आके ये कहती है कि सीबीआई दोबारा जांच करने को तैयार। ये किसकी एप्लीकेशन है, दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की, वकील कौन है, फूलका जी नहीं है।
इसलिए हम बोलने को मजबूर हुए हैं, वरना आज भी हम ना बोलने के काबिल होते। तो हमें समझ में आई जब हमें जस्टिस आर एस सोडी साहब ने अपनी स्ट्रेटजी बदलने को कहा, उनके कहने पे हमने अपनी स्ट्रेटजी को बदला, अपने वकील बदले, हमने ट्रस्ट करना बंद किया, तो ये रिजल्ट सामने आपके। और बताएं जी, तो काफी है सर, 19 जुलाई को फुलका जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसे भी राजीव गांधी जी की एक वीडियो भी बाहर आई थी, तो ओदे विच बीजेपी नेता आरपी सिंह जी नाल देख के मौजूद थे, तो की कहना चाहोगे कि उनन दी ड्यूल पर्सनालिटी है कभी वो आम आदमी पार्टी नाल होता है? देखो, उनको ऐसे लग रहा था कि शायद बीजेपी चुनाव अलग लड़ेगी, तो उनको लगता था फिर वहां बीजेपी वाले उनको सीएम का कैंडिडेट बनाएंगे, तो दोनों तरफ सीएम के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अभी उनकी बातचीत चल रही है, जहां फिट हो जाएगी वहां फिट कर देंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं केस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा फुलका साहब गुमराह कर रहे हैं, मेरा उनके प्रति श्रद्धा सत्कार है, मैं तो कह रहा हूं कि केस का फैसला ही आया है, जिस केस को उन्होंने लड़ा उसका रिजल्ट नहीं निकला, उसी केस को, किसी और को नहीं, उसी केस को सेम कोर्ट के अंदर सेम जज साहब के सामने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उसी अक्यूज की पिटीशन लेके जाती है और इंसाफ लेके आ जाती है। पांडे जी तो जो दे रहे हैं जरा, उसी कोर्ट, वही कोर्ट, वही अक्यूज्ड, वही सीबीआई और वही जगदीश टाइटलर, बदला क्या? वकील और पटीशन, वकील हमने बदले और पटीशन हमने अपनी नहीं डाली, इंसाफ लेके आगे। तो फिर फुलका जी क्यों नहीं ले पाए? इसलिए हम उन पर दोष नहीं लगा रहे, हालात उन पर दोष बना रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं ये उनकी तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मशहूर वकील जो बेस्ट बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, चाहे देश के जो बेस्ट लॉयर्स हैं, क्योंकि हमने इसीलिए इस चीज के लिए बेस्ट जो हैं वो आर एस सोडी साहब जो हैं, वो इनसे पुराने केस भी उनको पता है, खुद हाई कोर्ट के अपने सौ जस्टिस रिटायर्ड हैं, उनको जानकारी है सारे केसेस के, इसलिए हम उनकी राय के मुताबिक जो बेस्ट देश के और लॉयर्स होंगे उनको हायर करेंगे, अब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाले।